नमस्कार। जय हिंद। उत्तराखंड पीसीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, और मेनली हम यूके पीएससी से रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पर कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो टफ लेवल के जो क्वेश्चन होंगे ये हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। उनसे रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर होंगे, साथ में मैं फैक्ट भी एनालिसिस करते हुए चलूंगा आप लोगों के साथ में। तो इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो पीसीएस के साथ साथ आने वाले जो भी उत्तराखंड स्टेट के एग्जाम होते हैं, जहां पर जीके जीएस और उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारियां पूछी जाती हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी और जो रिन्यूएबल स्रोत नहीं है वो हमें यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, पवन हो गया, पेट्रोलियम जो है ये आपका रिन्यूएबल नहीं है, बाकी बायोमास भी है और भूतापीय ऊर्जा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब अगर इसमें आप देखें, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो ये लखनऊ में ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आपका दिल्ली में ही है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक जो है ये आपका हैदराबाद में नहीं है, ये तिरुवनंतपुरम में है, और तिरुवनंतपुरम जो है ये आपके केरला स्टेट में पड़ता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये आपका पुणे में ही है, तो बाकी सभी सुमेलित है। आपका राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आपको ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोलिक क्रेन की खोज की है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक क्रेन की खोज किसने की थी? तो हमारा सही जो आंसर है, हाइड्रोलिक क्रेन की खोज की थी विलियम जॉर्ज आर्मस्ट्रांग ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी हम जरा सा जान लेते हैं। तो सबसे चार्ल्स बेबेज तो आपको पता ही है, ये भाई साहब ने कंप्यूटर की खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये व्यक्ति फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस में गिने जाते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस यानी अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में गिने जाते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सभी को पता ही होगा इनका नाम। और एडविन एच आर्मस्ट्रांग जो है इनका नाम अगर आप जानते होंगे, तो जो जॉर्ज आर्मस्ट्रांग है इन्होंने तो हाइड्रोलिक क्रेन की खोज करी है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और एडविन एच आर्मस्ट्रांग जो है इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है एफएम रेडियो के फाउंडर माने जाते हैं, तो एफएम रेडियो से रिलेटेड हो गया आपके एडविन एच आर्मस्ट्रांग, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय तंतु के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? प्रकाशीय तंतु के निर्माण में किसका प्रयोग, देखियो यहाँ पर लोहा, तांबा, सिलिका और एल्यूमिनियम आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है तो इसमें सिलिका का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपका नेशनल गवर्नेंस डिविजन ने YUBAI यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश भर में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को प्रासंगिक मानसिकता कौशल सेट का विकास कर उन्हें AI के उपयोगकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। देखिए, स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कूट की, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर न एक सही है और ना ही दो सही है। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर इस बात को समझिए कि जो AI प्रोग्राम है लॉन्च करने के लिए UI ने साझेदारी तो की है, लेकिन गूगल के साथ नहीं की है, ये इंटेल इंडिया के साथ करी है। अब ये भी ध्यान रखिए, किसके साथ साझेदारी की है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, तो इंटेल इंडिया के साथ उन्होंने साझेदारी की है। बाकी दूसरा कथन भी सही है, इसका एम जो है वह 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को प्रासंगिक मानसिकता कौशल सेट का विकास कर उन्हें AI के उपयोगकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया, यानी हम अगर ऑप्शन में चलें तो आप देखोगे यहाँ पर केवल दो वाला सही है, बाकी पहला तो गलत हो गया। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य ने सर्ट यूटी के
का गठन किस उद्देश्य के लिए किया है? सर्ट यूटीके का गठन किया गया है साइबर हमलों से निपटने के लिए। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, जो सर्ट यूके है, अरे हो सकता है आपको ये सर्ट यूके का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो ये सर्ट जो यूके है यह कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ उत्तराखंड। कंप्यूटर इमरजेंसी सी से हो गया, कंप्यूटर इमरजेंसी हो गया ई से, कंप्यूटर इमरजेंसी और रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये भी इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए। सर्ट यूटी के ये साइबर हमलों से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया आपके पास। साइनोबैक्टीरिया के कथन संबंध में सही कथन हमें चुनना है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है, साइनोबैक्टीरिया बहुकोशिकीय जीव होते हैं। नहीं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये केवल खारे पानी में रहते हैं? नहीं, ये खारे पानी में भी और मीठे पानी भी रह सकते हैं, और ये जीव अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। बाकी गर्म पोषक तत्वों से भरपूर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में उच्च वातावरण में साइनोबैक्टीरिया तेजी से नहीं बढ़ते हैं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो मरेस्मस, क्वासरकोड, ये बचपन में आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा, 6वीं 7वीं 8वीं में टीचर रटवाते थे इनको। सही आंसर है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, जल की शुद्धता, जल की गहराई, क्यूसेक जो है जल के बहाव को मापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह एबी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों का रक्त समूह हो सकता है? तो ये सिंपल जेनेटिक्स का ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो माता से ए मिला, पापा से बी मिला, तो ए बी हो जाएगा, ठीक है? और अगर माता का ए और पापा का भी ए, तो ए ए हो जाएगा, यानी ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो गया। ए एलील इसमें होते हैं, तो इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, जनरल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर माता का बी है, पापा का ए है, तो भी ए बी हो जाएगा। और अगर एक और कंडीशन है कि दोनों बी बी हैं, तो बी हो जाएगा, तो बी बी हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, और बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ पॉजिटिव एलील इनमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? जनरली क्या होता है कि इसमें जो ए बी है, तो इनमें कोई एक एलील नहीं उपस्थित नहीं होना चाहिए, या तो ए एलील ना हो या बी एलील ना हो, तो ओ पॉजिटिव हो सकता है। तो ओ पॉजिटिव की कंडीशन उसमें है नहीं, तो आंसर आपका ए बी पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव हो सकते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन का ये क्वेश्चन है, उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन देख सकते हैं, फसल की उपज का आकलन करने में किया जाता है, ये सही है। भौमजल जो ग्राउंड वाटर है, संसाधनों का स्थान निर्धारण करने में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। और अगर देखा जाए यहाँ पर, खनिज का अन्वेषण, खनिज का यानी जो खनिजों की खोज की जाती है, उसके लिए भी किया जाता है। दूर संचार में इसका उतना उपयोग नहीं होता है, और यातायात के अध्ययन में भी इसका उपयोग नहीं होता है। तो यानी पहला, दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है इसमें, और ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाशिकी संचार में, ये तो आप क्वेश्चन से भी लगा सकते हो, तंतु प्रकाशिकी संचार में जो संकेत है वो किस रूप में प्रवाहित होता है? कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, बाकी आपको हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज के वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका प्रकाश तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा अगर इनमें से देखी जाए, देखिए जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ये काफी फास्ट होती है, लीज लाइन फास्ट होती है, केबल मॉडेम जो है ये तो आप देखते हैं अलग अलग ऑफिसों में आजकल यही यूज होते हैं, तो फास्ट ये होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। डायल अप सर्विस जो है, जो पहले शुरुआती दौर में जो डायल अप सर्विस यूज होती थी काफी स्लो होती थी, 56 KB पर सेकेंड इसकी स्पीड आती थी।
ये जो है आपका डायल अप सर्विस जो है ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है इनमें से। अनडू करने के लिए विंडोज प्रोग्राम की संयोजन कुंजी है, यानी ये कंप्यूटर की शॉर्टकट की आपको पूछ ली गई है। कंप्यूटर में जो है कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने कुछ भी टाइप किया तो उसको हटाने के लिए, जैसे मैं अगर टिक कर रहा हूँ इसको हटाने के लिए, कंप्यूटर में हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड जो है ये आपकी शॉर्टकट की होती है किसके लिए, अनडू करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए ये क्रैकर्स वाला इंपॉर्टेंट है। क्रैकर्स जो होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर्स कहे जाते हैं, और ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स दोनों ही एक हैकर्स टाइप के हैं। ये जो है ये शोषण के लिए जो हैकर्स हैं, जो आपका साइबर से खातों से रुपया उड़ा जाते हैं, या फिर किसी तरह की साइबर बुलिंग करते हैं, या फिर आपको जो है टॉर्चर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स हैं जो शोषण या फिर एक तरह से शोषण करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए हैकर्स बने हुए हैं। व्हाइट हैट हैकर्स जो है इनको अच्छे हैकर्स माना जाता है, एथिकल ये हैकर्स हैं, यानी ये जो है आपको बचाने के लिए ये हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स इन्हें कहा जाता है। तो इनका काम जो है एक तरह से सिक्योरिटी प्रदान करना है, सुरक्षा में सुधार करना है, एथिकल हैकर इन्हें कहते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर्स भी आप ध्यान रखिए, ब्लैक हैट हैकर्स हमारा सही आंसर है, जो कि शोषण और नुकसान देने के लिए ये काम करते हैं। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, अगर डिजिटल घड़ी की बात की जाए तो डिजिटल घड़ी में जो है एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल वो होते हैं जो मतलब बेवजह भेजे जा रहे हैं, जिनका कोई खासकर जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपना प्रोडक्शन के लिए या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे ईमेल एड्रेस इकट्ठा करके डेटा कलेक्ट करके सबको वो फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ऐसे ईमेल को जंक मेल कहा जाता है, जंक ईमेल कहा जाता है, और इनके लिए वर्ड यूज होता है स्पैम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। HTTP का पूरा नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन आप कई बार ट्राई कर चुके होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है इनमें से, सबसे तेज गति का प्रिंटर इनमें से लेजर प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो ये इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, विजय भाटकर साहब जो है ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकते हैं, देखिए मल्टीमीडिया का मतलब क्या है, उसमें ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकते हैं, और आवाज वॉइस भी हो सकती है, तो वो मल्टीमीडिया हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम परिवर्तित करता है। देखिए मॉडेम जो है ये एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर कर सकता है, और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में भी परिवर्तित कर सकता है, यानी ए और बी दोनों ही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आने वाली किसी भी परीक्षा में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, या इनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध ग्वालियर अभिलेख से है। ग्वालियर अभिलेख से संबंध है आपका मिहिर भोज का, मिहिर भोज का संबंध है ग्वालियर अभिलेख से, यह आपको ध्यान रखना है। ये अगर ये पूछा जाए ये किस वंश का था, ये तो गुज्जर प्रतिहार वंश का ये शासक था मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, और ग्वालियर अभिलेख में जो है इसकी जो उपलब्धियां हैं उसका वर्णन है, यानी मिहिर भोज की उपलब्धियों, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन जो है किस अभिलेख में है, तो ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन है। मिहिर भोज जो है गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, और इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, कन्नौज, और अगर बात की जाए तो इन्होंने 49 ईयर्स तक शासन किया था, 49 ईयर्स तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो स्थान है वो दिए गए हैं आपको, कौन किसके लिए फेमस है ये पूछा गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मन का उद्योग के साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं, ये तो सही है। खिलौने वाले हल जो हैं ये आपके बनवाली से मिले हैं या बनावली
नाम है इसका बनावली, तो बनावली से मिले हैं जो कि आपके हरियाणा में जगह पड़ती है। शंख का बना बैल ये हड़प्पा से ही मिला है, वक्राकार ईंटें चंगुदड़ों से ही मिली हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में पर्जन्य किस देवता को कहा जाता था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर से पर्जन्य कहा जाता था वैदिक काल में बरसने वाले बादल को, या जो वृष्टि होती है, वृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा जो बारिश होती है, तो इस तरह के बादल को जो वृष्टि बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको पर्जन्य कहा जाता था वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है और कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपके पास कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल, 6वीं शताब्दी जो है धार्मिक उथल पुथल बहुत हुई इसमें, और वैदिक धर्म जो है इस टाइम तक यानी 6वीं शताब्दी तक सब जो है बहुत जटिल हो चुका है। तो यानी एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, और ये आपने सुना होगा, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। राइट आंसर आपका पुलकेशन सेकंड है। पुलकेशन सेकंड जो है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न देखिए, ताज उल मासिर के लेखक मोहम्मद हसन निजामी, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिंपल से ये भी पूछ सकता है कि ताज उल मासिर के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हसन निजामी है। किस सुल्तान के ये समकालीन थे? तो ये जो समकालीन थे आपके, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के ये समकालीन थे। ताज उल मासिर के ये लेखक हैं, नाम इनका मोहम्मद हसन निजामी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दो तरीके से कि ताज उल मासिर के लेखक कौन है, तो मोहम्मद हसन निजामी है, और मोहम्मद हसन निजामी जो है किस सुल्तान के समकालीन थे, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अकाल संहिता का निर्माण किया था? अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाल संहिता का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक हो गया, एमबीटी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, या सिकंदर लोदी। तो सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, और अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फिर से आपको मैच करने के लिए दिया गया है, और कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें चुनना है। अब अगर देखा जाए, दीवाने मुस्तक राज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये सही है। दीवाने अमीर को ही जो है आपका ये एमबीटी से ही है, मोहम्मद बिन तुगलक से ही है। दीवाने खैरात जो है आपका ये भी फिरोज शाह तुगलक से ही है, और दीवाने रियासत जो है ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत का संबंध किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर, कृष्णदेव राय ने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। और अगर देखा जाए, कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख का पहला पुरालेखीय संदर्भ कर्नाटक के तुमकुरु जिले के होन्नेनाहली में खोजा गया है, ये भी सही है। और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है आपकी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है, निकोलो डी कोंटी कौन थे? सिंपल सा ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, निकोलो डी कोंटी कौन है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो था, ये इटालियन था, इटली का यात्री था, ये इटली का यात्री था, निकोलो डी कोंटी इटली का यात्री था। और ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, इटली का ये यात्री था, लेकिन ये बंदा जो है, ये आपका जो है कृष्णदेव राय के उसमें नहीं आया था, ये देवराय प्रथम के शासन में आया था, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में निकोलो डी कोंटी जो है आया था विजयनगर की यात्रा पर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, यानी 1, 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित युद्धों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ठीक ठाक लेवल का है। आप लोग अगर ठीक से हिस्ट्री पढ़े हो तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर आपको ईयर्स जो है सबसे मुश्किल जो होता है इतिहास में वो सन याद करना ही होता है, अगर आपको हो जाते हैं तो आप कर लोगे इसको आसानी से, नहीं हो पाता है। देवराय का युद्ध 1659, ठीक है। अब बहादुरगढ़ की लड़ाई ये 1658 है, धर्मत का युद्ध ये भी 1658 है, और सामूगढ़ की लड़ाई ये भी 1658 है। अब बताओ कैसे अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे? तो यहाँ पर इनमें भी जो है, जो बहादुरगढ़ की लड़ाई है ये फेब में हो गई, फेब्रवरी में हो गई थी, या आपका अप्रैल में हुई थी, ठीक है। और ये जो है आपका सामूगढ़ की जो लड़ाई है ये आपका मई में हुई थी। तो यानी सिक्वेंस हो गया 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आदिल शाह को फरजंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जहांगीर ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था, सर ए नौबत क्या था भाई शिवाजी के समय में? तो इसका संबंध जो है सैन्य प्रशासन से था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से दो सूचियां दी गई हैं, आपको सम्मिलित करना है और कोड की सहायता से आंसर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस साइड वंश दिए गए हैं और इस साइड जगहों के नाम दिए गए हैं, किन किन वंश ने कहाँ पे शासन किया ये मिलाना है हमें। देखिए तो मालवा जो है, मालवा में खिलजी वंश का शासन था, ये आपको बताइए। जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर में जो है सरकी वंश का शासन रहा इनमें से, कश्मीर में जो है आपका शाही वंश का शासन था, और बंगाल में जो है इलियास वंश का शासन था। तो इस तरह से ये मैच हो जाएंगे, और मैच होने के बाद जो है आपका, यानी थर्ड सेकंड से शुरू हो रहा है, सेकंड हो गया आपका, फिर आपका थर्ड हो गया, सेकंड थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, इस तरह से जो भी ऑप्शन में होगा सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, फैक्ट थोड़े से ध्यान रखने आपके, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट अगेन ये बुक है, और ये बुक लिखी गई थी आपकी विजयालक्ष्मी पंडित के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुक का नाम है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इंटरेस्टिंग ये बुक है। हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? कौन सी सिफारिश की थी हंटर कमीशन ने, ये पूछा गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो महिलाओं की शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन ने कुछ नहीं कहा, सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियम ये भी नहीं कहा, इन्होंने ये कहा था कि उच्च शिक्षा से राज्य के समर्थन को धीरे धीरे वापस लिया जाएगा, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय ये भी हंटर कमीशन का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1879 का रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है ये आंध्रा में हुआ था, आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सूची एक को सूची दो से मिलाना है, अगेन मिलान वाले क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से ठीक लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक तरफ जो है व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक तरफ, अच्छा ये वो व्यक्ति हैं, पहली बात तो ये समझिए, ये वो व्यक्ति हैं जो 1857 की जो क्रांति थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम इसे कहते हैं, तो उस दौरान इन्होंने, ये अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने क्रांति को दबाने का प्रयास किया था, या दबाने का काम किया था, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जेम्स आउट्रम जो है ये व्यक्ति जो है लखनऊ में था, और जॉन निकोलसन की अगर बात की जाए, जॉन निकोलसन जो है दिल्ली में था, कोलिन कैंप बेल, तो ये तो आपने सुना ही होगा, कैंप बेल जो है आपका कानपुर में था, कैंप बेल के कान पकड़े थे, ऐसे तिगड़म करके याद रखते हैं लोग, यूरोज जो है झांसी में था। तो यानी अगर मैच की बात की जाए तो सेकंड हो गया, देन हमारा जो है फर्स्ट का सेकंड हो गया, देन फर्स्ट हो गया, फिर आपका फोर्थ हो गया, और फिर आपका थर्ड हो गया, सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, डॉक्टर डी के कर्वे पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे, महिला शिक्षा में बड़ा योगदान है इनका। बहन सुब्बा लक्ष्मी ने कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की थी? बहन सुब्बा लक्ष्मी ने कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना नहीं की थी, महाकाली पाठशाला की स्थापना जो है महारानी तपस्विनी ने की थी, ये नाम जरा लिख लीजिएगा कहीं पे, महारानी तपस्विनी इन्होंने की थी, जो है कलकत्ता में महाकाली
पाठशाला की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा महाराष्ट्र में एक आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, ये सही है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे आपके, पहला दूसरा, यानी पहला तीसरा और चौथा सही है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। महारानी जो है तपस्विनी ने की थी महाकाली पाठशाला की स्थापना कलकत्ता में, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम मामले में शामिल था? तो अलीपुर जो बम षड्यंत्र था इसमें शामिल थे अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन फिर से चुनना है। और यहाँ पर देखिए जो आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं एक बार ठीक से, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी, सही है। कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही की गई थी, ये भी सही है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की थी, बिल्कुल ये सही है। जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो कोई नहीं चाहता था कि गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले, लेकिन गांधी तो गांधी थे ना, गांधी अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे कि वैसा व्यक्ति दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। कि हिंसा हुई तो आंदोलन एक बार बोल दिया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाला व्यक्ति था। हम लोग पलट जाते हैं अपनी बात से, लेकिन अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, और इस सिचुएशन में भी कि पूरा देश, पूरे सारे के सारे नेता आपके खिलाफ हैं कि नहीं आंदोलन वापस नहीं होना चाहिए। और ये कहा जाता है कि उस टाइम अगर भी आंदोलन चलता रहता तो आजादी भी मिल जाती, लेकिन सिद्धांतों के इतने अब मजबूत थे गांधी जी, तो इस तरह से ये भी सही है। असहयोग आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को नई ऊंचाई प्रदान की थी, ये भी सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट है आपके पास और इसमें से जो है आपको चुनना है। मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस, तीन व्यक्ति इसमें शामिल थे। इस मिशन को संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया था, बिल्कुल भारत इसको संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भेजा गया था। इस मिशन के प्रस्तावों को भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना शामिल था, नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, इसमें कहा गया था डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। और मुस्लिम लीग द्वारा इस मिशन के प्रस्तावों का समर्थन किया गया नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की तब तक मांग हो गई थी कि उन्हें अलग पाकिस्तान चाहिए, यानी भारत का विभाजन होना चाहिए। तो एक तो डोमिनियन स्टेटस ये वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, चौथा भी स्टेटमेंट गलत है, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। तो यानी केवल एक और दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है आपको और इसका आंसर आपको देना है। देख सकते हैं कांग्रेस और हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जिन्ना समर्थित लीग के सदस्यों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया, नहीं साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे ना, क्योंकि साइमन गो बैक के नारे लगे थे जब उन्होंने, जब उन्हों वो लेके आए थे अपना साइमन कमीशन, जब आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। एक तो उसमें कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था, तो जिन्ना हो या फिर मुस्लिम लीग हो या फिर आपका हिंदू महासभा हो, किसी ने भी समर्थन नहीं किया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है सही है आपका, और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी फर्स्ट और थर्ड बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमारप्पा समिति का संबंध किससे है? तो ये कुमारप्पा समिति जो है अगेन इम्पोर्टेंट है, जब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट जो पीरियड है, जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद ये समिति का गठन किया गया 1949 के अराउंड, 49-50, थोड़ा ईयर कंफर्म कर लीजिएगा आपका। और इसका संबंध जो है भूमि सुधार से था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें इसमें से चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कथन है कि 1833 चार्टर एक्ट में भारतीय कानून को संचालित संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति हुई थी, बिल्कुल विधि आयोग के 1833 में नियुक्ति हुई थी, उसमें मैकाले को जो है विधि सदस्य चुना गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी सही है।
इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नहीं प्रशासनिक कार्यों को समाप्त नहीं किया था, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि इस एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी, हाँ बिल्कुल, जो है बेल जली थे उस टाइम पे, तो इसके कारण जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वेल जली, ये बताइए कौन थे इस टाइम पे गवर्नर जनरल। तो बाकी सब स्टेटमेंट सही है, सी वाला आपका गलत है। साप्टा जो है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फुल फॉर्म है इसका। इसका गठन कब हुआ था, तो ये आसान हो गया आप लोगों के लिए, 1993 में इसका गठन होता है। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की नींव किसने रखी थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने रखी थी। 49th क्वेश्चन आपका है, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है, तो यहाँ पर देखिए जरा सा, मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करता है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है विभाजित करता है आपका 9 डिग्री चैनल, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जो है डिवाइड करता है आपका 6 डिग्री चैनल, और इसी को भैया कहते हैं ग्रेट चैनल भी, 6 डिग्री चैनल को ही कहते हैं। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, और ये भी समझ लीजिए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जो डिवाइड करने वाला है इस चैनल को हम कहते हैं ग्रैंड चैनल। तो ये सारे आप जरूर ध्यान रखिए, कोई हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध करेवा से है, तो देखिए करेवा जो है आपका ये है आपका, ये कश्मीर घाटी के झील के निक्षेप हैं, और काफी उपजाऊ ये मिट्टी होती है, केसर की खेती यहाँ पर की जाती है। तो ये कुछ फैक्ट आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमने टॉप 50 MCQ डिस्कस किए, अगला वीडियो आएगा इस पर, ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे PCS के एग्जाम तक, तो हम कम से कम करेंगे इस सीरीज को। तो अगला वीडियो आएगा इसमें, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा जल्दी लाने की, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को, खासकर जो भी उत्तराखंड के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट करते हुए जरूर चलें। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।